बरनाला के गांव बड़वर में एक आदमी द्वारा अपनी ही पत्नी पर ठगी करने के मामले में पुलिस के पास गुहार लगाई गई। महिला के पहले पति हैप्पी सिंह ने भी अपनी पत्नी पर दोष लगाते हुए कहा कि वह उसके साथ भी धोखाधड़ी करके 2011 में घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसका यही काम है, वह लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। इस संबंधी जानकारी देते हुए गांव की पंचायत ने बताया कि ये एक बड़ा गिरोह है जो इस तरीके से भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे रुपए ऐंठने का काम करते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन इस पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं कर रही। पंचायत के सदस्यों ने कहा कि अगर पुलिस ने इंसाफ ना दिया तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होगा और चक्का जाम भी होगा। वहीं जब इस संबंधी डीएसपी हेडक्वार्टर रचपाल सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मनदीप सिंह की पटियाला में रहने वाली एक महिला के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसके साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी कंप्लेंट मनदीप सिंह के द्वारा दी गई है, जिसमें 10 लाख रुपए की ठगी शिकायतकर्ता द्वारा बताई जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये पता चल पाया है कि उक्त महिला पहले से शादीशुदा है, उसका अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। धोखाधड़ी का मामला था जी, पिंड के मोतबार होने नाते ये लड़का कबड्डी खिलाड़ी से जी, मेरा लड़का भी कबड्डी खिलाड़ी से, उसने कबड्डी खेलता सी। इसने मेरे को पहुँच की जी अज तो तकरीबन सवा महीना पहला, सत्तवें महीने च कहना भी मेरे नाल ठगी हुई है। तो असी इतने DSP कंट्रोल रूम दे आके पेश होए। उस दिन वो कहते भी वह तो आई नहीं पार्टी पटियाले वाली, तो भी तुसी डेट दिना फिर किसी दिन आओ। ये दसन मुताबक भी जी लड़की से पंडित की कुड़ी जी पटियाले की भवानीगढ़ व्याई हुई सी, इनू दस्या नहीं सी होया भी कुड़ी कहती मैं कुंवारी हाँ, भी मेरी मैरिज जरूर हुई हुई सी, भी जेडे मेरे बच्चे ने मेरे को भी मेरी भैन के बच्चे है, भी मैं पहले नाल तलाक दे के तेरे नाल मैरिज करा लूँगी, भी मेरे पेरेंट्स खुश ने भी तू जिहा जीवन साथी लभ दी है तू लभ लै, भी तू जिम्मेवार आप दी, ते भी जेडे मेरे मापे ने भी तेनों बाहर भेज देंगे भी कुछ खर्चा तू दे। ये दसन मुताबक इन्हें तीन कराला पांच मरले जमीन बेची जी, उही तीन कराला पांच मरले को जमीन से प्यो एपसैट होया पाया जी, इनू गाला भी कढ़ता भी तू मेरे घरों निकल जा, तू मेरे की करतूत कराती है। ये पटियाले तो मीनाक्षी देवी, तो उन्होंने मेरी फेसबुक से कंटैक्ट होया जी, तो कंटैक्ट हो उन्होंने ये गल दसी मैनू भी मैं कुंवारी हाँ, मतलब जो साड़ी गलबात हुई जी, तो भी मैं कुंवारी हाँ, मैंने ये गल नहीं दस्या मैं व्याही हाँ, कोई इदा की कोई गलबात नहीं हुई, तो साड़ी गलबात हो गई। चलो बाद च दो साल पहला दी गल मतलब, तो मुड़के गलबात चलती रही साड़ी जी, मुड़के घर के कहें भी असं विह कर देंगे, जो घर कहें मैं घर गल कर ली भी अं विह कर देंगे थोड़ा, जो घर आ के कहते भी अं सारा खर्चा पानी तू विह करवा ला, अं बहर भेज देंगे तेनों, भी तू जो तेन पसंद है तो तेन आप चल मुड़ के बाद घर दे साडे घर ने सारा बस देखा, तो कहते जो साड़ी फाइल लग गई जी लुधियाने, लुधियाने ईजी वीजा ने साड़ी फाइल लाई जी, फाइल ला के इन्होंने 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने भरया जी, मेरा तो आपका दोनों का, वह मेरे को प्रूफ है जी। उस बाद कहते भी कुड़ी का प्यो कहता भी तू विह करवा लगे, पैसे सारे मैं ला दूंगा, भी कल मुंडा उधर जाके तेरे लत्त मार जाए जा कोई तेरे ना टक्की कर जे, भी कुछ पैसे तू मुंडे तो भी लै, उन्होंने मुंडे कह। तो बाद च उन्होंने जो मैंने गल कही मेरे तो उन्होंने जमीन विका के मैं 3 कनाला 5 मरले 2 मरले जी जमीन बेच के मैं 10 लाख रुपया मैं किया नाल जी, 10 लाख रुपया मैं देता जी। तो मेरे घर आए ने, घर आके जिन्होंने जमीन बेची है जी, वो बंदा जो रजिस्ट्री करवा के घर मैं पैसे दे के गया, तो चारे वो घर आए ने जी, कुड़ी का प्यो भरा उसकी भाभी तो आप उन्हों की चन्न नाल इतने रिश्तेदारी है जी, वो चन्न नाल तो आए ने, तो चन्न नाल तो आते हुए मेरे घर आए ने जी, तो पैसे उन्होंने सामने आ बंदा जिन्होंने तो भी मतलब पैली जिन्होंने लई है मेरी, तो इन्होंने पैसे कोले बैठ के गिना के पैसे असं दोनों ने पैसे गिने जी, पैसे गिण के उन्होंने 10 लाख रुपया दिता। मुड़ के जो मुड़ के जो पैसे लै गए उदो मुड़ के मेरे नाल उन्होंने लड़ाई झगड़े का शुरू करने। मनदीप सिंह बड़बर का इन्हें मीनाक्षी शर्मा है पटियाले तो वो खिलाफ़ एलीगेशन लाया भी 10 लाख रुपया इन्हें मेरे तो ले लिया बाहर जाने वास्ते, इन्हों की जी है फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई सी, मैरिज की गल चलती रही है, तो वो एलीगेशन उन्हें वेरीफाई कर, वो ऑलरेडी मैरिड आ, तो अपने हसबैंड ना वह जो है डिस्प्यूट चलता, तो उन्हें अपने हसबैंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, इनकुआरी कर रहे हैं, जो फाइनल हो गया उस तो बाद जो फैक्ट्स आने वो हिसाब से कार्रवाई कर दें।